कौन कहता है गमले में कुछ नहीं होता। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये मेरे घर के दूसरे मंजिल की छत है, और अगर आपको कैमरे में ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत ही हरे भरे सराउंडिंग में किसी जंगल में खड़ी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये जंगल अपने छत पर गमलों में पौधे लगा लगा कर क्रिएट कर पाई हूँ, और इसको कहते हैं फूड फॉरेस्ट। मैंने ये बिल्कुल फूड फॉरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पर आप देख रहे हो ये एक तोरी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो तोरी हमने इसको बीजों के लिए छोड़ी हुई है। ये मेरा हाथ है, आप देख रहे हैं, ये मेरे आधे हाथ के लंबाई की ये तोरी है। ये गमले में है, इसकी बेल आप ट्रेस करके आसपास देखिएगा, ये गमले में है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जाली के बाहर, ये आपको दो तीन तोरियां वहाँ पर लगी हुई दिख रही है। ऊपर एक तोरी लगी हुई ये दिख रही है, नीचे एक तोरी लगी हुई दिख रही है। अब आप इसको ट्रेस बैक कीजिएगा तो ये छोटा सा ये गमला है, ये क्यारी है, और इस क्यारी में ये सारी तोरियां उग रही हैं। सिर्फ तोरी ही नहीं, वो जो मेरे पीछे जो घिये लटक रहे हैं, गुच्छे के गुच्छे में जो छोटे घिये लटक रहे हैं, या मेरे सामने जो एक बड़ा सा घिया और उसके साथ में कुछ गुच्छे लटक रहे हैं, या वो जो कुंदरू लटक रहे हैं, वो जो मिर्चियाँ उग रही हैं, वो जो भिंडी एक ही इस पे जो इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ आपको दिख रही है, वो जो मेरा बैंगन का पेड़ जो फूलों से लदा हुआ है, सब कुछ गमले में है। कौन कहता है कि गमलों में आप सब्जियों का, वो भी ऑर्गेनिकली बिना किसी केमिकल यूज़ के, बिना किसी छिड़काव के, बिना किसी फंगीसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टीसाइड, किसी भी बिना किसी साइड के और बिना किसी 3G 4G 5G कटिंग के, ये सारा मेरे आसपास में ये पूरा फूड फॉरेस्ट मेरी दूसरी मंजिल के छत पे है। क्या है इसका राज? मेरा किचन वेस्ट। मेरे जो किचन से वेस्ट निकलता है, जो मेरे अपने गार्डन से हॉर्टिकल्चर वेस्ट निकलता है, उससे समय लगता है। हर अच्छी चीज़ को बनने में बहुत समय लगता है। उससे ये जो मेरी मिट्टियाँ बनी हुई हैं, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये जो मिट्टियाँ बनी हुई हैं, इसी मिट्टी में मैंने उसी अनाज को उगाना शुरू किया है जो खाना मैं खाती हूँ, उसी खाने को मैंने उगाना शुरू किया है जो खाना मैं खाती हूँ। नींबू, शरीफा, पपीता, जामुन, अनार, कॉटन, उसके साथ में सारी सीजनल सब्जियाँ, मिर्ची, बैंगन, भिंडी, आप जो भी सीजन की सब्जियाँ, उसके साथ में कुछ हर्ब्स हैं। ये मेरे पीछे तुलसी है, वहाँ पर बेजिल है, उसके पीछे शतावरी है, शतावरी के पीछे रत्ती है, रत्ती के साइड में अमृत बेल है। ये सारा जो मैंने फूड फॉरेस्ट क्रिएट किया है, ये मैंने अपने छत पे, अपने घर के किचन वेस्ट से क्रिएट किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा छत बहुत बड़ा है, 2000-3000 स्क्वायर फीट का छत है। ये अगर छत है, आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट साइड में खूब सारी मेरी पानी की टंकियां हैं। ये मेरा छत अगर कहने को 30 फुट बाय 22 फुट का है, मगर उसका जो बीच का मेजर हिस्सा है, ये पानी, तीन पानी की टंकियों से भरा हुआ है, और साइड साइड में जितनी छोटी सी रूफ की जगह बची हुई थी, उसी में मैंने अलग अलग हाइट पे गमले रखकर, जो एक इफेक्टिवली मेरे ख्याल से 250 स्क्वायर फीट की जगह मुझे मिलती होगी, उसी में मैंने अलग अलग हाइट पे गमले बनाकर और अलग अलग हाइट के पौधे एक के नीचे एक और एक के साथ एक ऐसे लगा के मैंने इतने छोटे से छत पर, और ये मेरा फूड फॉरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। आप भी कर सकते हैं, ज़रूरत है लगन, मेहनत और शिद्दत की कि आप अपने किचन वेस्ट को अपने ही जगह पर यूज करके इस तरह से फूड फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे। पहला प्रिंसिपल, ये सारी सब्जियां जो उग रही है छत पे, मैं जो इतना खुश हूं, मैं 10 साल से ये सब्जियां उगा रही हूं, अब मैं दुनिया को बताना चाह रही हूं कि देखिए मेरा पर स्क्वायर फुट कितना सब्जी उगता है छत पे, आप भी कर सकते हो। ये सारा क्यों है? क्योंकि ना ये सस्टेनेबल है। अब मेरा गार्डन ऐसा हो गया है कि वो मुझे मांगता नहीं है, मुझे मेरे गार्डन में जाके बहुत कुछ करना नहीं होता है। वो फीडिंग कर लो, स्प्रे कर लो, इंसेक्टिसाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरे गार्डन में ये कोई एक्टिविटी नहीं होती है।
मैंने अपनी मिट्टी सही कर दी है और मेरे किचन का वेस्ट मेरे गार्डन में जाता है, बस ये इतना ही काम। जब भी कोई छत से ऊपर जाता है, देख के जाता है कि किचन वेस्ट पड़ा हुआ है या कॉम्पोस्ट तैयार है, वो ले जाता है, डालता है। ना मेरे गार्डन पे गुड़ाई होती है, ना मेरे स्प्रेइंग होता है, ना इंसेक्ट मैनेजमेंट होता है, ना फंगीसाइड, ना वीडिंग, कुछ नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने उस गार्डन को सस्टेनेबल बनाया है। सस्टेनेबल ऐसे बनाया है कि जो मेरे घर की चीज निकलती है वो छत पे जाए, छत से जो चीज निकलती है मेरे किचन में आए, उसका खाना बनाए, इसका छिलका निकलेगा और फिर छत पे चला जाएगा। पानी बहुत कम लगता है, पानी छत पर है। सो ये जो सस्टेनेबिलिटी साइकिल है, आप इस साइकिल में जितनी चीजें बाहर से ला ला के डालने की कोशिश करोगे, फिर आप ये सोचोगे कि मैंने तो इतना मेहनत करने के बाद दो लौकी निकला तो क्या फायदा। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ये फूड फॉरेस्ट इतनी छोटी सी जगह में मैंने किस तरह से उगाया है, जिसको शायद टेक्निकल टर्म में या काफ़ी सारे इसमें कंपेनियन प्लांटिंग कहते हैं, कि कौन से पौधे के साथ कौन सा पौधा लगा सकते हैं या लगाना चाहिए, जो भी उतना मुझे नहीं समझ में आता है। पर मैंने जिस तरह से किया, मैंने कंपेनियन प्लांटिंग करी है, मैंने इंटीग्रेटेड प्लांटिंग करी हुई है, मैंने अलग अलग हाइट की प्लांटिंग एक साथ एक गमले में करी हुई है, और उसी से मुझे ये यील्ड मिलता है। इसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। नमस्कार।